जय माता दी दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अत्यंत शक्तिशाली मंत्र हम आपके लिए बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से ही आपकी किस्मत के सभी बंद दरवाजे खुल जाते हैं। कैसे? जब यदि आप मंत्र को करेंगे उच्चार, तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वैदिक परंपरा में मंत्रोच्चारण का विशेष महत्व माना गया है। अगर सही तरीके से मंत्रों का उच्चारण किया जाए, तो यह जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग मंत्रों को सही तरीके से उच्चारित नहीं कर पाते हैं, और जब मनचाहा फल प्राप्त नहीं होता है, तो उनका विश्वास डगमगाने लगता है। इसीलिए आज हम भी आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने या पढ़ने मात्र से ही आपकी समस्याओं का समाधान निकलने लगता है। तो आइए जानते हैं मंत्रों उपचार के बारे में। मंत्र है दोस्तों, नमो स्तवन अनंताय सहस्त्र मूर्तय सहस्त्र पादाक्षी शिरोरु भावे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। दोस्तों, ये मंत्र है। इस मंत्र का जीवन में आने वाली किसी भी तरह की बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रतिदिन सुबह इस मंत्र का जाप करना है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भक्त विष्णु के 1000 नामों का वर्णन मिलता है। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे, उस समय युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि कौन ऐसा है जो सर्वव्याप्त है और सर्वशक्तिमान है। तब उन्होंने भगवान विष्णु के 1000 नाम बताए थे। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि हर युग में इन नामों को पढ़ने या सुनने से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यदि प्रतिदिन 1000 नामों का जाप किया जाए, तो सभी मुश्किलें हल हो सकती है। विष्णु सहस्त्र नाम को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे शंभु, शिव, ईशान और रुद्र। इसे ज्ञात होता है कि शिव और अभेद विष्णु में कोई अंतर नहीं है, ये एक समान है। विष्णु सहस्त्र नाम के जाप में बहुत सारे चमत्कार समाये हुए हैं। इस मंत्र को सुनने मात्र से समर जाएंगे आपके 7 जन्म, सभी कामनाएं हो जाएंगी पूर्ण और हर दुख का हो जाएगा अंत। दोस्तों, हम भगवान श्री विष्णु के 1000 नामों का जाप तो नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हीं 1000 नामों को इस मंत्र में समाहित किया गया है कोटि के रूप में। यदि हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो इसी मंत्र के उच्चारण के द्वारा उन 1000 नामों का उच्चारण होता है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो यदि आप भी परेशानी में हैं, बाधा में हैं, तो इस मंत्र का उच्चारण करिए और अपनी परेशानियों को खत्म कर लीजिए। और दोस्तों, यदि आपको जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इसी तरह की अगली जानकारी के लिए आप हमारे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।